हेलो भाई, नमस्कार। मैं दुर्गेश, अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश टिक में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो खेत से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा कमेंट किया है नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, एक हैं, उन्होंने कमेंट किया है। आपको स्क्रीन पे कमेंट दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। बोला है इन्होंने, सर एक धुर में इतना 68.0625 वर्ग फुट होता है, लेकिन एक धुर में कितना फुट होता है? कारण कि जब हम किसी को जमीन एक धुर कम या ज्यादा दें तो उसे देना होगा, तो 68 फुट देंगे या जरूरी है? सर समाधान करें। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पहली बात कि आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन है धुर से लेकर के, तो पहले धुर के बारे में अच्छे से जान लीजिए कि एक धुर जमीन कितना होता है, तब उसके बाद इसका समाधान करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो एक धुर है वो आपके यहां कितने हाथ का लट्ठा चलता है उसके अनुसार डिपेंड करता है एक धुर कितना होगा। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ एक धुर 5.5 हाथ का लट्ठा यहां पर चलता है, 5.5 हाथ का लट्ठा चलता है और एक हाथ में लगभग लगभग 1.5 फुट होता है। तो यहां पर मैं लट्ठे के बारे में पहले बता दे रहा हूं, तब धुर के बारे में आते हैं। लट्ठा इक्वल टू होगा, देखिए 5.5 हाथ। हमारे यहां जो लट्ठा माना जाता है वो 5.5 हाथ, आपके यहां जो माना जाता है उसके अनुसार चलिएगा। अगर आपके यहां 6 हाथ का माना जाता है तो उसके अनुसार चलिएगा, कुछ नहीं करना रहेगा। बस इसमें हाथ, एक हाथ बराबर होता है, एक हाथ बराबर होता है 1.5 फुट। जी हाँ, तो अब हमें यह पता करना है कि एक लट्ठा में कितना फुट होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक लट्ठा इक्वल टू 5.5। हमें फुट में चेंज करना है तो हाथ की जगह यहां पर 1.5 फुट लिखेंगे तो गुणा कर देंगे तो आएगा 1.5 फुट। आशा करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसका हम गुणा करेंगे जब, तो गुणा करने पर आएगा 8.25 फुट आएगा। एक लट्ठा में 8.25 फुट हो गया। अब आते हैं धुर के बारे में। धुर के बारे में हमने कई वीडियो बना दिया है, लेकिन इनको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका क्लियरिफिकेशन हम वीडियो के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको भी किसी चीज में प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर पूछिए, बिना सोचे समझे। अगर वीडियो बनाने लायक रहेगा तो वीडियो बना दूंगा, अगर वीडियो उस पर ऑलरेडी बन चुकी रहेगी तो आप तक प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, अब धुर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिंक भी जाएगा, आपको धुर की पूरी जानकारी वहां से भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर थोड़ा बता दे रहा हूं कि हमारा जो लट्ठा हुआ, एक लट्ठा 8.25 फुट हुआ, तो मान लीजिए यही हमारा लट्ठा है, एक लट्ठा, इसकी लंबाई 8.25 फुट है, तो एक धुर जमीन कितना होगा? देखिए, एक लट्ठा लंबाई में चल दिए और एक लट्ठा चौड़ाई में, तो जब चलेंगे तो पूरा चारों तरफ से एक एक लट्ठा चल देंगे तो वो जो हमारा खेत आएगा वो एक धुर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एक लट्ठा और एक लट्ठा, तो ये हो जाएगा एक धुर। जी हाँ दोस्तों, अब आपके यहां लट्ठा मैं बताया, फिर से बता दे रहा हूं, आपके यहां जो चलेगा उसके अनुसार आप कन्वर्ट करते रहेगा। अब एक धुर आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि इतना एरिया कवर करता है। उनको बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एक धुर देना रहेगा तो कितना देंगे। देखिए, जब धुर की बात आई, जब क्षेत्रफल की बात आती है, तो क्षेत्रफल में क्या करता है कि वो स्थान घेरता है, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वो स्थान घेरता है। अगर वहीं आ जाती है फुट की बात, केवल फुट की बात आती है, तो ये इस तरह एक लाइन खींच देंगे और कह देंगे कि ये लट्ठे एक लट्ठा है जिसकी लंबाई 8.25 फुट है, तो कोई कहेगा कि एक धुर देना है,
तो एक धुर देना है तो क्या करेंगे आप 8.25 फुट दे देंगे, इस तरह देंगे, इस तरह कभी नहीं देंगे। जब एक धुर की बात आएगी तो आपको इतना जमीन देना पड़ेगा। और देखिए मैं आगे समझा दे रहा हूं। अब एक धुर के बारे में जान लेते हैं कि कितना वर्ग फुट होता है। तो यहां पर लिखेंगे एक धुर बराबर, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, इसी का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक धुर जब ज्ञात करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो आएगा कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो लंबाई कितनी हमारी है, एक लट्ठा। एक लट्ठा इंटू चौड़ाई कितनी है, एक लट्ठा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो एक इंटू एक करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो वर्ग लट्ठा हो जाएगा, क्योंकि लट्ठा इंटू लट्ठा वर्ग लट्ठा होता है, मीटर इंटू मीटर वर्ग मीटर हो जाता है, इसी तरह ये हो जाएगा। अब देखिए हमें फिट में निकालना है, तो यहां पर एक लट्ठा और एक लट्ठा, यहां पर एक लट्ठा गुणे एक लट्ठा है, तो एक लट्ठा बराबर हमारा 8.25 फुट है, तो उसके जगह लिखेंगे 8.25 फुट। फिर एक लट्ठा है तो यहां पर फिर लिखेंगे 8.25 फुट। जब इसका गुणा करेंगे फुट इंटू फुट का तो फिर यह भी वर्ग फुट हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आएगा 68.0625 वर्ग फुट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक धुर बराबर 68.0625 वर्ग फुट। अब देखिए यहां पर आपको अच्छे समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा। कोई कहे कि किसी को एक धुर जमीन ज्यादा देना है या एक धुर कम देना है, इन्होंने उसमें बोला है। तो मान लीजिए ये हमारा प्लॉट है इतना बड़ा, तो किसी को एक धुर ज्यादा देना है या कम देना है, तो ये आपको पहली बात लंबाई चौड़ाई पूरा पता होना चाहिए, फिर आप क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसके बाद आपको एक धुर जमीन किसी को देना होगा तो यही 68.0625 वर्ग फुट देना होगा। मान लीजिए इसका हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो आ गया हमारा 728 वर्ग फुट आ गया इसका क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो अलग अलग लंबाई रहेगा तो आमने सामने को जोड़ करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसी तरह क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए कई टेढ़े मेढ़े आकृति का मैं क्षेत्रफल निकाला हूं, आप जाकर के देख सकते हैं कैसे निकालना है। अब इतना हो गया। अगर यही इसी में से बोलेगा कोई कि एक धुर जमीन किसी को देना है तो आपका मन करे तो इस तरह दे दीजिए, आपका मन करे तो पूरा इस तरह दे दीजिए, नहीं तो इस तरफ दे दीजिए, इस तरह दे दीजिए, इस तरह दे सकते हैं, किसी तरफ दे सकते हैं, लेकिन वो केवल लाइन नहीं आएगी। अगर मान लीजिए इस तरह का आप दे रहे हैं इस तरह का, तो ये क्षेत्रफल कवर करेगा, इतना पूरा आप दे सकते हैं उसको, नहीं तो पूरा अगर एक धुर हो रहा है तो इस तरह भी चाहेंगे तो पतले में करके दे सकते हैं, इस तरह पूरा दे सकते हैं, नहीं तो इस साइड से देना चाहेंगे तो इस साइड से पूरा देंगे, इस तरह से देंगे, फिर इस तरह की बात आती है तो इस तरह देंगे, जिस तरह से आपको देना पड़े, लेकिन आपको क्षेत्रफल में ही देना पड़ेगा। अब इसमें से क्या करेंगे, 728 जो दिया है उसमें से 68.0625 को घटाएंगे, जितना आएगा उतना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक साइड में। अब इन्होंने दूसरा कमेंट जो किया है कि सर एक धुर में इतना वर्ग फुट होता है तो दो धुर में कितना वर्ग फुट हो जाएगा। तो भाई कुछ नहीं करना है, बस दो धुर बराबर यहां पर दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना है, 2 × 6 1.0625 वर्ग फुट। इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 136.1250 वर्ग फुट। तो दो धुर में आशा करता हूं आपको यह भी यहां पर समझ में आ गया होगा। अब कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई कहे कि एक धुर जमीन बढ़ा के देना है या कम करके देना है, या इसी तरह कोई कहे एक बिसवा जमीन देना है किसी को तो 20 धुर बराबर 1 बिसवा होता है, ये भी मैं अच्छे से बता चुका हूं, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ऐसे 20 प्लाट जब आएंगे तो 1 बिसवा बनेगा। अब यहां पर मेन आपको केयर करना है कि आपके यहाँ कितने हाथ का लट्ठा चलता है। आप जाकर के किसी सरकारी कर्मचारी से या किसी बड़े बुजुर्ग से आप पूछेंगे तो उन लोगों को पता होगा अच्छे से, वो बता देंगे आपके यहाँ कितने हाथ का लट्ठा चलता है।
तो इसके अनुसार ये निकाला जा सकता है। तो आशा करता है ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नीतीश कुमार जी, आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड किया है, तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अगर अच्छे समझ में आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग, जिससे मैं भी मोटिवेट होता रहता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो खेत से रिलेटेड या क्लास 10 से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।